इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। सीएम योगी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नीतियां किसानों के लिए हैं। हमने किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ा। हमारा लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी वह पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषि उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी, किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है। सरकार तो एक सुविधा दे रही है। वे किसान जिस खेती को करता है, अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में किसान आ गया, तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य या बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा कवर देने का कार्य किया है। ये राज्य सरकार इसलिए किया है जिससे किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन गुमराह करने वाले तत्व लगातार गलतफहमी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होंगी और वित्तीय वर्ष की 11 परियोजनाओं का पूरा होते ही हम लोग भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं सभी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना लेंगे तो यही क्षमता हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी किसान के जीवन में परिवर्तन और उसकी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए लागत कम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी तकनीक चाहिए। अच्छी तकनीक के लिए हर जिले में कम से कम 1 कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं वहां 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं और शेष जनपदों में 1 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को तकनीक के साथ और मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे, और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही हैं।